जनविश्वास यात्रा पहुंच चुकी है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में, और मेरे साथ है डॉक्टर महेश शर्मा जो की सांसद। सांसद जी, कितना फर्क नजर आ रहा है आपको आज इस वक्त रात के समय? जितना विश्वास जनता का है और जिस तरह से लोगों का जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं, और वास्तव के अंदर जितने योगी जी के सुशासन और मोदी जी की नीतियाँ, आज अगर उनका अगर बात करें तो जितना काम यहाँ हुआ है, कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर लोगों का विश्वास आ जाता है, विदेशी निवेश हुआ है जेवर को, तो खास तौर पर हवाई अड्डे के रूप में कितनी बड़ी भेंट मिली है, बराबर में खुर्जा में 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट, इतना विकास हुआ है। यहाँ की जनता इस सीट को तो जिताएगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद जी, एक सवाल आपको, जनविश्वास यात्रा और अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा में क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में जितने काम किए हैं, योगी जी ने जिस तरह से सुशासन लाए हैं, प्रशासन के लेवल पर ईमानदारी रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार का पिछला समय हमारे देख चुके हैं, हमारी जनता देख चुकी है, और वो आज ही जा चुकी है। आज हम अपने काम के भरोसे, विकास के भरोसे, सुशासन के भरोसे, भ्रष्टाचार युक्त शासन देने और कानून व्यवस्था का जो परिवर्तन आया है उसके कारण हम दोबारा से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय। एक आखिरी सवाल सर, गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? गठबंधन क्या एक चुनौती बन के भाजपा के सामने खड़ा हो रहा है या कैसे देख रहे हैं सर? गठबंधन पिछले बार भी हुए थे, पिछले बार भी गठबंधन हुए, उस गठबंधन का रिजल्ट आपने देख लिया था, वो आपस में ही लड़ झगड़ के किसको किसका नुकसान हुआ। उन दोनों पार्टियों का चेहरा आज जनता के सामने है, और कांग्रेस अपने आप में एक डूबती हुई नैया के रूप में काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ठीक है। सर, 1 लाख लैपटॉप और एंड्रॉयड फोन मुख्यमंत्री जी ने बांटे। अखिलेश यादव लगातार कटाक्ष करते रहे कि मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो वो बांटेंगे क्यों? देखिए, ये बहुत छोटा मतलब सोच है, इस तरह की बातें करना उचित नहीं लगता अखिलेश यादव जी जैसे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किसको लैपटॉप चलाना आता है, किसको नहीं चलाना आता है, उन्होंने प्रदेश चला के दिखा दिया, लैपटॉप बहुत छोटी बात है। तो थैंक यू सर। तो मेरे साथ डॉक्टर महेश शर्मा सांसद थे, जनविश्वास यात्रा लेकर जेवर पहुंचे, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के जेवर में, और जो उनके विचार थे वो आपने सुने। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, जेवर से।